गुड आफ्टरनून, राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज एक सेट बतलाऊंगा जो रीजनिंग के एनटीपीसी, एएलपी इन सभी परीक्षाओं में काम देगा। इसके अतिरिक्त आपको एसएससी, दारोगा, सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती इन सब परीक्षाओं में भी काम देगा। पहला क्वेश्चन आपका कोडिंग का है। कहा गया कि किसी सांकेतिक भाषा में गोपी को एचजी लिखते हैं। देखिए जी ओ पी आई गोपी, इसे आप लिखते हैं एच और जी, ये एचजी लिखते हैं। तो ये आपका है 7 और ये 15, ये 16 और ये 9। 15 में से अगर आप 7 घटाएंगे 8 आएगा जो एच है, और 16 में 9 घटेगा ये माइनस कीजिएगा तो ये 7 होगा, ये होगा आपका जी। उसी तरह से ऑरेंज की बात हुई, ये ओ आर ए एन जी ई ऑरेंज, तो ये आपका 15 है, ये 18 है। 18 में 15 घटेगा 3 तो सी होगा। ये 1 और 14 है, अंतर होगा 13 का, ये एम हो जाएगा। ये आपका 7 और ये 5 है, अंतर आपका होगा 2 का, ये आपका बी होगा। देखिए सी एम बी लिखा है। लक का भी कोड उसी तरह से दिया हुआ है, एल यू सी के। ये 12 और 21, अंतर 9 का है, ये आई हो गया। ये 3 और ये 11, अंतर आपका जो है 8 का है, ये एच हो गया। अब इसी भाषा में आपको इमर्जेंट लिखना है, यानी यहां दो दो का पेयर आपका बन रहा था। तो यहां पर देखिए ये 13 और 5, तो इस केस में अंतर जो होगा वो 8 का होगा एच। ये 18 और 5, ये 13 हो जाएगा, इस केस में आपका रहेगा 18 में से 5 घट गया 13, ये रहेगा एम। ये 7 और 5, 2 का अंतर है, ये रहेगा बी। ये आपका है 14 यहां और 20, ये 6 का अंतर हो जाएगा, ये एफ। आंसर एच एम बी एफ, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। 4:30 से 4:38 के बीच घड़ी के डायल पर घंटे की सुई में कितने डिग्री का परिवर्तन होता है। इस क्वेश्चन में आप एक बात ध्यान दीजिए कि एक हम लोग जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि मिनट की सुई जब तक 60 मिनट चलती है तब तक घंटे की सुई जो है 1 घंटा बढ़ती है। यहाँ पर 1 घंटा बढ़ने का अर्थ हुआ घड़ी के डायल पर 30 डिग्री होगा, यानी 60 मिनट चलने पर यह 30 डिग्री बढ़ती है। यहां पर कहा गया 4:30 से 4:38, यानी 8 मिनट चलने पर यह कितना बढ़ेगी। तो 60 मिनट चलने पर 30 डिग्री, तो 8 मिनट चलने पर 30 डिग्री गुना 8 बटा ये 60 हो जाएगा। तो ये 30 से कट जाएगा 2 बार, ये हो जाएगा 4, तो आंसर हो जाएगा 4 डिग्री बढ़ेगी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। जो संबंध त्रिभुज का चतुर्भुज से है वही संबंध ऑटो रिक्शा का किससे है बतलाओ। ये 3 पहिया है, उससे ये 4 पहिया हो गया। ऑटो रिक्शा भी आपका 3 है, तो साइकिल 2 का होता है, मोटरसाइकिल 2, और ये तो बहुत सारा होता है, ये मल्टीपल होता है बहुत सारा। इस केस में आंसर मोटर कार होगा, ये 4 पहिया है, तो आंसर हो गया मोटर कार। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं, ये सीट लगा दिया। ए तथा बी पड़ोसी हैं, 1 2 3 4 5 6, ई और एफ पड़ोसी नहीं है, कितने प्रकार से इन्हें बैठा सकते हो। तो इस केस में ना ऐसे सीक्वेंस नहीं बनाइए, इसमें शर्त को लिख दीजिए, ए और बी पड़ोसी हैं, ई और एफ पड़ोसी नहीं हैं, ई और एफ को अलग अलग लिख लीजिए। सी और डी से कोई फरमाइश नहीं है तो सी और डी को अलग बुला लीजिए, आप अलग आ जाओ सी और डी। अब हर एक से एक एक आदमी को बुलाएं, ए आएगा, ई आएगा, यहां पर आपका सी आ जाएगा, ये डी आ जाएगा, और ये 4 व्यक्ति को आपस में अरेंज कर दो। 4 का अरेंजमेंट लिखाएगा फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 सॉल्व होता है 4 × 3 × 2 × 1, यानी 24 तरीके से। अब आप चाहेंगे तो यहां पर ये वाला सीक्वेंस काम कर सकता है। यहां पर हम ऐसे लगाया, 4 सीट ऐसे लगा दिए, और ये जो ए ई सी डी है उसको कहीं भी बैठा दीजिए, ये ए, ये ई, ये सी, ये डी। अब इसके बाद पॉजिटिव यूज कीजिए, बी बच गया, बी कहेगा मैं अपनी कुर्सी लेकर आता हूँ,
अब सोचिए बी को आप बुलाइए और वो अपनी कुर्सी लेकर के आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो बी जब अपनी कुर्सी लेकर के यहाँ पर पहुंचेगा तो ये ए के बगल में रखेगा। ए के बगल में या तो इधर रख सकता है या इधर रख सकता है, यानी उसके पास दो स्थान है, इन दोनों में बी कहीं भी बैठ सकता है। इसलिए बी के लिए यहाँ पर आपका स्थान हो जाएगा या तो यहाँ बैठेगा। तो दो में से कोई एक सीट लेगा, इसको आप लिखेंगे 2C1, ये बी के लिए। और मान लीजिए बी को हम यहाँ बैठा दिए, अब बारी हो गई एफ की। एफ कहेगा मैं ई के बगल नहीं बैठूंगा, तो यहाँ और यहाँ मना करेगा, या तो यहाँ बैठ जाएगा एफ या तो यहाँ बैठ जाएगा, ये दो सीट उसको मिलेगा, ये फिर हो जाएगा 2C1, ये एफ के लिए। हो गया तैयार, सब लोग बैठ गए। फैक्टोरियल 4 हो गया 24 गुना 2 गुना 2 48, 24 गुना 2 48 और 48 गुना 2 आपका 96 हो जाएगा। यानी 96 तरीके से 96 वेज में आप इनको अरेंज कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगले में कहा गया कि गाजीपुर से सोनपुर 5 किलोमीटर पूरब है। यहाँ पर हम गाजीपुर लिखते हैं, ये सोनपुर लिखते हैं, पूरब कर देते हैं 5 किलोमीटर, तथा नूतनपुर 6 किलोमीटर पश्चिम है। इधर नूतनपुर कर दिया, ये 6 किलोमीटर पश्चिम कर दिया। नूतनपुर से लखनपुर 4 किलोमीटर उत्तर है, लखनपुर ऊपर कर दीजिए, ये 4 किलोमीटर उत्तर, तथा सोनपुर से जयपुर 3 किलोमीटर दक्षिण है। यहाँ पर नीचे कर दीजिए, यह 3 किलोमीटर, ये जयपुर हो गया दक्षिण। लखनपुर से जयपुर पहुँचने के लिए कम कितनी दूरी तय करनी होगी। अब सोचिए लखनपुर से अगर आप जयपुर आते हैं और मिनिमम डिस्टेंस पूछते हैं, तो आप यहाँ से यहाँ ऐसे कनेक्ट कीजिएगा। जब आप यहाँ कनेक्ट करेंगे तो ऐसे करते हुए परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करेंगे तो यह हाइपोटेन्यूज होगा। ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर रूट अंडर होता है। परपेंडिकुलर यहाँ 4 और ये वाला तीन यहाँ आ गया, 4 और 3 7, ये 7 का स्क्वायर, और बेस हो गया 6 और 5 11, ये 11 का स्क्वायर हो गया, यानी 49 प्लस 121, 12 4 16 117, रूट अंडर 170। 169 होता तो 13 होता, यानी 13 से थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए। तो आपका आंसर जो होगा वह 13 point something आना चाहिए, जो आपके ऑप्शन में ये है। आपका कम से कम कितनी दूरी तय करनी होगी, तो 13, देखिए 12.8 दूरी तय करेगा तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अगर 13.2 करेगा तो 13.1 में पहुंच जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो वहां तक तो पहुंच जाएगा। इसलिए आंसर आपका 13.2 किलोमीटर रहेगा। पी की माँ क्यू है, ये पी लिखा, पी की माँ क्यू है, क्यू फीमेल कर दिया, ये रहा पी की माँ क्यू है। इसके बाद है रिलेटेड यूज कीजिएगा, इसके बाद ध्यान रखिएगा। जी की नानी क्यू है, जी की नानी क्यू है, आर की माँ वाई है, और क्यू को एक पुत्र एवं एक पुत्री है। तो क्यू को एक पुत्र एवं एक पुत्री है, ये रहा और ये रहा, इस तरह से जी की नानी क्यू है, जी यहाँ पर है, उसकी नानी क्यू है। आर की बहन जी है, ये आर है, इसकी बहन जी है। अब देखिए इसकी माँ की माँ यह है, माँ यह है कि यह नहीं मालूम अभी। आर की माँ वाई है, आर की बहन अगर जी है और आर की माँ वाई है तो वाई फीमेल है। और क्यू को एक पुत्र, तो यह पुत्र हो जाएगा, यह पुत्री हो जाएगी। इसका मतलब जी की माँ ये हो गई, देखिए, और उसकी माँ ये हो गई, तो नानी हो गई ये चीज। अब यहाँ पर क्वेश्चन है पी वाई का कौन लगता है, तो पी जो है वह वाई का कौन लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो पी वाई का भाई लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, इसको ऐसे लिखा जाता है, पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। एन और टी बराबर हैं, बराबर कर दीजिए। टी आर से बड़ा है, ऐसे बड़ा कर दीजिए। आर एफ से बड़ा या बराबर है, ये भी बराबर कर दीजिए। एफ और जी बराबर हैं, ये बराबर कर दिया। अब निष्कर्ष है पी आर से बड़ा या बराबर। देखिए पी आर से बड़ा जरूर है, लेकिन बराबर का मिसिंग है, इस कारण से ये गलत हो गया। टी जी से बड़ा है, टी जी से कन्फर्म बड़ा है, जी कितना भी कोशिश करेगा यहीं तक आएगा, टी ऊपर रहेगा, ये करेक्ट हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 नंबर आपका सही निष्कर्ष है। 32 का रिलेशन 9 से, 51 का 1 से, तो बताना 63 का रिलेशन क्या होगा, कौन सा नंबर होगा, ये बतलाओ।
तो ऐसा करते हैं, ये 3 32 का लिया, पावर कर दिया इसका 2, ये हो गया 9, 5 का पावर 1 कर दिया, ये 5 बेस बना दिया, 1 पावर कर दिया, तो 6 रहेगा, उसका पावर 3 करेंगे तो ये 216 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा समूह होगा बतलाओ। जब अक्षर और संख्या की श्रृंखला मिले, अक्षरों को हमेशा पहले बना लेना। ये 7, ये 8, ये 11 और ये 16। तो देखिए 7 8 11 16, 1 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, 5 बढ़ गया, तो 7 बढ़ेगा, 23 होगा, यानी W। तो आंसर आपका W से शुरू हो रहा है, ये दोनों ऑप्शन गया। लेटर की बात करेंगे तो उससे डिसाइड हो जाएगा लास्ट वाले से। ये 12, 2 14, 2 16, 2 18, तो 2 20, 20 का मतलब T, W के साथ T आना चाहिए, इसी ऑप्शन में है। ये कैंसिल करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, लेकिन जरा देख लेते हैं क्या क्यों था पैटर्न, नंबर कहाँ से आया। 7 और 12 जोड़कर 19, 8 और 14 जोड़कर 22, 11 16 27, 16 18 34, तो ये 23 और 20, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ का वैल्यू 43 होता, वो आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ था, W 43 T। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं आप बतलाओ। जब एक वर्टेक्स से बेस के ऊपर बहुत सारे लाइंस डाले जाते हैं तो त्रिभुज की संख्या निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, 1 2 3 4 5, 5 भाग में आपने बांटा, इन सभी नंबर को जोड़ दीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, आंसर हो गया आपके पास 15 त्रिभुज है। क्यों ऐसा हुआ, कारण भी जान लीजिए। देखिए छोटा छोटा अगर आप त्रिभुज लेते हैं तो 5 है, 1 2 3 4 5, जिससे ये 5 मैंने लिया। जब डबल डबल करेंगे तो 1 डबल ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये 4 आ गया इससे। जब ट्रिपल लेंगे तो 1 ये हो गया आपका, फिर 1 ये रहा, 1 ये रहा, ये 3 हुआ। जब 4 यूज करेंगे तो एक साथ ये 4 आया, एक साथ आया, ये 2 हुआ। और जब 5 यूज कर लेंगे तो एक ट्रायंगल ये था। ABCDEF टेबल के चारों ओर केंद्रमुख बैठे हैं। अब यहां पर बनाने के लिए आप इस तरह का यूज करेंगे, टोटल आदमी 6 है, 6 सीट लगा दिया और सबका चेहरा सेंटर की ओर कर दिया, केंद्रमुख बैठा दिया। यहां पर सी के बाएं दूसरे स्थान पर डी बैठा हुआ है, ई तथा एफ पड़ोसी हैं, किसी सामने डी नहीं है, ए के बाएं दूसरे स्थान पर एफ है, बी के सामने कौन है। अब देखिए सी के बाएं, यहाँ सी बैठाइए, पहला आदमी यहाँ बैठाइए, बायां दायां आसान होगा चलना। सी के बाएं दूसरे स्थान पर डी है, ये डी बैठा दीजिए। ई और एफ पड़ोसी हैं, परंतु इनमें कोई भी किसी के सामने डी नहीं है, तो देखिए पड़ोसी के लिए ये 3 सीट है, यहाँ बैठाएंगे तो डी सामने हो जाएगा, इसलिए इन दोनों सीट पर ई और एफ बैठेगा, ये कंफर्म हो गया। इसके बाद आपका दिया हुआ है ए के बाएं दूसरे स्थान पर एफ है, तो एफ तो इसी दोनों में आया हुआ है, यहाँ ए लेंगे तो बायां इधर होगा, यहाँ ए लेंगे तो बायां दूसरे स्थान पर एफ हो जाएगा, ये ई आ जाएगा, यहाँ बच गया बी, बी यहाँ चला गया। क्वेश्चन है बी के सामने कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी में डी दिया हुआ है, बी के सामने में ये डी बैठेगा, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में। इनमें भिन्न कौन है ये बतला देना। तो देखिए इसमें ये 7 है, ये 9 है, ये 15 है, ये 17 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 19 है, ये 21 है, सब में 2-2 का अंतर है, 7 2 9 3 2 5 15 2 17 19 2 21, सब में तो एक ही जैसा आया। अब क्या देखना था, इसमें पहले कॉन्सोनेंट है बाद में वॉवेल, इसमें पहले कॉन्सोनेंट है बाद में वॉवेल, इसमें भी पहले कॉन्सोनेंट है बाद में वॉवेल, इसमें पहले वॉवेल आ गया, बाद में कॉन्सोनेंट है, ऑप्शन नंबर सी। यदि प्लस का अर्थ है गुना, यानी जहां जहां प्लस है वहां पर गुना कर दो और जहां जहां गुना है वहां पर जोड़ दो। जब आप सॉल्व करते हैं तो बॉडमास के हिसाब से सॉल्व करते हैं, यानी मल्टीप्लीकेशन पहले जाएगा, 5 × 4 = 20 और 3 × 2 = 6। अब एडिशन चलेगा, 6 + 20 = 26 और 6 जोड़ दिया तो आंसर हो गया 32। यदि महीने का आरंभ मंगलवार से है तो उसी महीने तीसरा रविवार किस तारीख को पड़ता है। देखिए एक तारीख अगर आपका मंगलवार है तो 8 तारीख भी मंगलवार होगा, 15 तारीख भी मंगलवार होगा,
22 तारीख भी मंगलवार होगा। अगर 22 तारीख मंगलवार है तो आपका 21 तारीख सोमवार और 20 तारीख रविवार होगा। इसमें दो दिन पीछे जाएगा तो 15 में दो दिन जाएगा तो ये 13, 8 में दो दिन पीछे जाएगा ये 6। यानी पहला रविवार आपका 6 तारीख है, दूसरा रविवार 13 तारीख है और तीसरा आपका 20 तारीख है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। शब्द गजिबो में ऐसे कितने जोड़े अक्षर हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितना अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। जी एच आई जे के एल, जी नहीं बनाएगा पेयर, ए बी सी डी ई ये भी नहीं बनाएगा, जेड ए बी ये बना देगा, जेड ए और बी एक पेयर हो जाएगा, ई एफ जी नहीं रहेगा आपका, ओ पी क्यू आर एस टी भी नहीं, बी सी डी ई एफ ये भी मिस कर गया, ई एफ जी ये भी नहीं, जेड के बाद ए एक पेयर ये भी काउंट हो गया, इधर जेड बी हो गया इधर जेड ए हो गया, आंसर आपका दो पेयर है। घन के 6 सतह पर 1 से 6 तक लिखा है और घन की 2 स्थितियां दी गई हैं। देखिए इनमें 3 कॉमन है यहां और 6 भी कॉमन है। जब 2 चीज कॉमन हो जाता है आपका तो उस केस में जो अनकॉमन है कंफर्म विपरीत होगा, और जो 2 कॉमन है ना 6 और 3 नहीं दिखाई देने वाला 2 और 4 इसका विपरीत होता है। जब कभी भी आपको 2 सतह कॉमन मिले 2 स्थिति में तो अनकॉमन हमेशा अपोजिट होगा और इस केस में जो नहीं 2 सतह दिखाई देता है कॉमन वाला उसका विपरीत होगा। अंक 4 के विपरीत क्या होगा तो आंसर रहेगा या तो 6 होगा या 3 होगा। 5 और 1 निश्चित है विपरीत, बाकी पेयर का निश्चित नहीं पता चलेगा। ए तथा बी से लंबा सी है, ये सोचिए ए है और ए और बी दोनों से लंबा सी है, बी और डी से लंबा ई है, बोले बी और डी दोनों से लंबा ई है, डी और सी से लंबा एफ है, तो यहाँ डी और सी आया, इन दोनों से लंबा एफ भी हो गया। सी पहले से यहाँ मौजूद है ध्यान रखिएगा, इसलिए जब यहाँ पहले से मौजूद है तो इसको दोबारा नहीं लिखिएगा, ये सी हो गया ये डी है, डी और सी दोनों से लंबा एफ है। अब है ई और एफ से लंबा जी है, बोले ई से भी लंबा एफ से लंबा जी है, तो अब इस केस में देखिए जी एफ से लंबा ये सी से ए से बी से, अब कोई इसके ऊपर नहीं जा सकता है, इनमें सबसे लंबा कौन रहा, कन्फर्म हो गया जी। इस क्वेश्चन को बनाने का एक मेथड ऐसा भी है, आप टोटल लिस्ट ले लो और जैसे जैसे पढ़ते जाना, चूंकि सबसे लंबा पूछा ना रैंक नहीं पूछा है, तो उस केस में तरीका ऐसे भी रहता है, ए तथा बी से लंबा सी है, यानी ए और बी सबसे लंबा नहीं होगा उससे लंबा सी है, बी और डी से लंबा ई है, यानी बी और डी लंबा नहीं होगा उससे लंबा ई है, डी और सी से लंबा एफ है, यानी डी और सी लंबा नहीं होगा उससे लंबा एफ है, ई और एफ से लंबा जी है, तो ई और एफ सबसे लंबे नहीं होंगे, आंसर हो गया जी। एक मेथड यह भी आपका है, आप सबसे लंबा या सबसे नाटा पूछता है तो आप इसको इस मेथड से निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपका एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें नंबर जो 15, 9, 16, 7, 19, 7 चल रहा है, 15 में 9, 6 कम, ये 7 ज्यादा, 16 से 7 जो आपका है ये आपका 9 कम, ये 12 अधिक, यहां पर 12 कम, अब यहां पर कितना अधिक होगा, यहां पर 9 है ये भी फुलफिल करना चाहिए, तो एक पैटर्न देखिए, -6, -9, -12, तो 6 3 9 3 12, तो ये 15 होता, यानी आगे यहां पर -15 होता, तो यहां के नंबर में 15 कम करेंगे तो 9 आना चाहिए, इसका मतलब 24 होता, तो जब हम उन आपका 7 से 24 चलेंगे तो 17 बढ़ गया, तो यह भी एक पैटर्न दिखला रहा है, +7 +12 +17, देखिए 5 बढ़ा हुआ है, यहां भी 5 बढ़ा हुआ है, आंसर आपका इसमें 24 था। जब कभी भी सर्कल में नंबर डाला होता है तो पहले हम साइक्लिक वे में सोचते हैं, साइक्लिक वे में अगर पैटर्न नहीं मिलता है तब हम इसे सेक्टर वाइज सोचते हैं, जैसे भी देखिए 1 4 2 3 यहां क्वेश्चन मार्क है, साइक्लिक में सेट नहीं हुआ, सेक्टर वाइज अगर आप चलें
जीरो और एक इसको अगर जोड़ेंगे तो एक आया, अपोजिट सेक्टर ले रहे हैं। ये पांच और चार ये जोड़ते हैं तो नौ आया, ये 23 और दो ये जोड़ते हैं तो 25 आया। तो इस केस में ये 1 square, ये 3 square, ये 5 square, तो अगला वाला 7 square होना चाहिए। 49 यानी 3 में 46 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 46 आंसर दीजिएगा। पुत्र भाई पति पिता की श्रृंखला का अगला संबंध क्या है? ये जो चार टर्म मैंने दिया ये चारों पुरुष से रिलेटेड है। अगर कोई एक पुरुष एक बच्चा जो है जन्म लेता है तो पुत्र के रूप में, फिर भाई बनता है, वो माता पिता का दूसरा संतान हुआ तो भाई बना, इसके बाद उसकी शादी होगी तो वह पति बनेगा, उसे संतान होगा तो पिता बनेगा, अगला जो टर्म आएगा वो होगा ससुर। दादा नाना भी नहीं होगा, पिता की संतान की शादी होगी तो ससुर बनेगा, उसके बाद वो दादा नाना की बात करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जाएगा आंसर। एक कूट भाषा में गो इन रेन 1 2 3, डांस इन वाटर 4 5 6, हेवी रेन को 7 3 लिखते हैं। इसी भाषा में गो इन वाटर को क्या लिखेंगे? तो यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, कॉमन चीज नजर आया मुझे, वह नजर आया रेन। रेन इसमें तीसरा मेंबर है, तीसरा में 3 है, इसमें रेन सेकंड मेंबर है, ये 7 और 3, यानी रेन का कोड अगर देखे तो दोनों जगह करस्पॉन्ड करता है। जैसे इसमें जो थर्ड लेटर है वो थर्ड सिंबल आपका थर्ड कोड है, इसमें सेकंड वर्ड जो है इसमें आपका सेकंड इसमें कोड है, यानी ये पोजीशन वाइज करस्पॉन्ड करता है। इसका ये अर्थ हो गया इसे हम करस्पॉन्डिंग कोडिंग के तहत लेकर चलेंगे। तो जब मैंने पूछा गो इन वाटर, गो यहां है पहले नंबर पर, तो गो इन वाटर के लिए इसी सीक्वेंस में आप आंसर देंगे 1, इन के लिए सेकंड मेंबर हो गया 2, और वाटर यहां पर डांस इन वाटर का तीसरा मेंबर है तो 4 5 6 इसमें हो जाएगा 6, तो आंसर 1 2 6, 1 2 6 ऑप्शन नंबर डी। शब्द फिजियोलॉजिकल में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले वो अक्षर है जो अंग्रेजी वर्णमाला में उनसे पहले रहता है? स्वर को केवल ध्यान दीजिएगा, आई, आई से पहले एस है जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले नहीं रहता है, बाद में आता है। यहाँ ओ काउंट होगा, ओ के एक वॉवेल है उसके पहले आई है जो वर्णमाला में भी उससे पहले रहता है। ये वाला ओ भी काउंट होगा, उसके पहले एल है जो वर्णमाला में भी उससे पहले रहता है। ये आई भी काउंट होगा, आई के पहले वर्णमाला में जी रहता है, और ये ए जो है वह काउंट नहीं होगा, ए के बाद सी आता है पहले नहीं आता है। कहता है कि वर्णमाला में ऐसा अक्षर चाहिए जो उससे पहले रहता है, तो आंसर इसमें आपका 3 हो गया, ये वाला ओ, ये ओ और ये आई। अगले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि MNOPQR में 4 क्रिकेट एवं 2 हॉकी खेलते हैं, 1 2 3 4 ये क्रिकेट है और 1 2 ये हॉकी है, पी और क्यू का खेल भिन्न है, तो एक आदमी यहाँ जाएगा दूसरा आदमी यहाँ जाएगा, यानी पी और क्यू अलग अलग ग्रुप में जाएगा, एम और एन का खेल समान है, कन्फर्म एम और एन इसमें जाएगा क्योंकि इसमें 2 सीट है ही नहीं। इसके बाद कहा गया आर तथा एन का खेल समान नहीं है, आर इस ग्रुप में नहीं जाएगा, आर इस ग्रुप में आ जाएगा, ओ तथा पी का खेल समान नहीं है, देखिए अब कंफर्म इसमें ओ बच गया, एम एन ओ, ओ यहाँ रहा, ओ और पी का खेल समान नहीं है तो ओ यहाँ रहेगा तो पी यहाँ नहीं जाएगा, पी इस नीचे आ जाएगा, यहाँ क्यू आ जाएगा, इनमें हॉकी कौन खेलता है तो पी और आर हॉकी खेलता है, ऑप्शन नंबर सी। ए तथा बी की आयु का योग 20 वर्ष है तथा इनकी आयु का अंतर 4 वर्ष है, बोले इनकी आयु का अगर अंतर 4 साल है तो पहले 20 में 4 हटा दो, 16 बच गया, अब 8 8 बांट दो, एक आदमी को 8 और दूसरे आदमी को 12, कौन ए है कौन बी है मुझे मतलब नहीं, कौन बड़ा कौन छोटा मतलब भी नहीं है, इनकी आयु का गुणनफल क्या होगा, तो 8 और 12 को गुना कर दिया, आंसर हो गया 96। यदि पीला को लाल कहते हैं, लाल को हरा, हरा को नीला, को गुलाबी, गुलाबी को पीला, तो खुले आकाश का रंग, देखिए खुला आकाश नीले रंग का होता है, तो खुले आकाश का रंग क्या है बतला दो, ये नीले रंग का होता है,
तो नीला को क्या कहते हैं वो आपको देखना, नीला को गुलाबी कहते हैं, आंसर हो गया गुलाबी। खुला आकाश रहेगा ही नीला, लेकिन आज क्या कहलाएगा, तो गुलाबी कहलाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, श्रृंखला में अगला समूह क्या है आपको बतलाना है। स्टेपलर से जब चले आगे ए गायब हो गया तो STPLER हो गया, फिर ई गायब हो गया तो STPLR हो गया, इसके बाद जब बारी आई तो देखते हैं STPL गायब हो गया आर, यानी कि अल्फाबेटिकल गायब होता है। देखिए पहले ए, अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर, ए के बाद ई, ई के बाद एल, अब इसमें अल्फाबेट में पहले आने वाला पी होगा वो गायब हो जाएगा, तो नेक्स्ट आपका जो बचेगा वो STR होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है बतलाओ। अगर लेटर और नंबर का मिला होता है तो लेटर्स पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन लेटर तो मेरे पास दिया हुआ है, ये 9, ये 7, ये 5, ये 3, ये 9 का क्यूब है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, तो 3 का स्क्वायर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये 9 रहेगा। यदि दक्षिण को उत्तर पश्चिम तथा पूरब को दक्षिण पश्चिम कहते हैं तो उत्तर पूरब को क्या कहेंगे, ये बना लीजिए आप ऐसे, ये आपका उत्तर है, ये उत्तर पूरब है, ये पूरब रहा, ये आपका दक्षिण है, ये पश्चिम, ये उत्तर पश्चिम हो गया, ये आपका दक्षिण पूरब है और ये दक्षिण पश्चिम है। अब देखिए क्या है, दक्षिण को उत्तर पश्चिम, देखिएगा यहाँ दक्षिण ये है, इसको उत्तर पश्चिम कहेंगे, यानी ये इतना बढ़ गया 90 और 45, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। पूरब दक्षिण पश्चिम कहलाया, ये पूरब यहाँ था देखिए ये, और ये यहाँ से उठ करके ये भी ऐसे ही 135 आपका क्लॉकवाइज आया, उत्तर पूरब ये था। अब ये जब चलेगा तो यहाँ से 45 और ये 90, ये पहुँच जाएगा दक्षिण, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। इसके बाद जीवक के बड़े भाई महावीर की पुत्री नेहा की बुआ राधा की माँ नीना के पति गोविंद के पिता रामनाथ हैं, रामनाथ जीवन जीवक के कौन है। हम इसको पढ़ करके ऐसे भी बना सकते हैं, नहीं तो लिख करके ही बतला देंगे। देखिए कैसे बनाते, पढ़कर, जीवक के बड़े भाई महावीर, ये बड़ा भाई हुआ, बड़े भाई की पुत्री नेहा भतीजी हो गई, उसकी बुआ जो होगी वह तो महावीर और जीवक दोनों की बहन हो जाएगी, राधा बहन हो जाएगी, और बहन की माँ माँ हो गई नीना, और माँ के पति गोविंद पिताजी हो गए, और पिताजी के पिताजी रामनाथ दादाजी हो गए। तो रामनाथ जीवक के कौन हुए, तो जीवक के इस केस में वो दादाजी आ जाएंगे, उस केस में जीवक के दादाजी, देख लीजिए यहाँ ये जीवक है, उसके बड़े भाई का नाम महावीर है, महावीर की पुत्री नेहा है और नेहा की बुआ राधा है, यानी ये बहन हो गई, ये मेल, ये मेल, ये फीमेल, ये फीमेल, और राधा की माँ नीना है, तो इनकी भी माँ हो गई। उनके पति गोविंद हैं, ये मेल, और गोविंद के पिता रामनाथ हैं, ये भी मेल। रामनाथ कौन लगेंगे, तो इसके पिता के पिता, ये आंसर हो गया दादा। तो उसी चीज को लिख करके भी आप ऐसे बना सकते थे, एक पंक्ति में पांच व्यक्ति बैठे हैं और सभी का चेहरा उत्तर दिशा में है, सी के पश्चिम में दो व्यक्ति हैं, ये सी है, देखिए सबका चेहरा अगर नॉर्थ है, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, सी के पश्चिम में दो आदमी, एक और दो सीट लगा दीजिए सी के पश्चिम में, ई के पूरब में डी एवं के नहीं है, यानी बाकी दो सीट इधर रहेगा। अब कहता है ये ईस्ट है, ध्यान रखिएगा ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ई के पूरब में डी और के नहीं है, यानी ई के पश्चिम में रहेगा, ई के पूरब में डी और के नहीं है तो ई के पश्चिम में डी और के रहेगा, यहां रहेगा कि यहां रहेगा नहीं मालूम, बी के पश्चिम में दूसरे स्थान पर के है, बी के पश्चिम में दूसरे स्थान पर के है, यहां बी लिखेंगे तो पश्चिम में दूसरा स्थान नहीं खाली होगा, तो बी के पश्चिम में पहला दूसरा
दूसरे स्थान पर किए हैं, यही एक जगह मिलेगा। यहां लिखेंगे तो पश्चिम में जगह नहीं है। अब देखिए ई के पूरब में डी और के नहीं है तो ई के पश्चिम में डी और के होगा, यहां लिखेंगे डी और के पश्चिम में आ गया। क्वेश्चन है सी के पड़ोसी कौन थे, तो सी के पड़ोसी के और बी, बी और के, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। तो ये आपका एक सेट हो गया रीजनिंग का, जो आपको रेलवे में विशेष रूप से काम देगा, बाकी सभी परीक्षाओं में भी काम देगा। ऐसे ही हम लोग और आगे बढ़ते रहेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।